अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कोलेजन को देखेंगे। कोलेजन क्या होती है, कोलेजन उसकी सिंथेसिस देखेंगे, उसकी टाइप्स वगैरह हम डिस्कस करेंगे और इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है ये हम देखेंगे। कोलेजन आपने याद रखनी है, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। एंड एज यू नो के फाइब्रस प्रोटीन जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट से मिलकर, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि कोलेजन जो है ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बॉडी है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। उसके अलावा आपने इसके बारे में याद रखना है कि ये थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनती है, थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन, थ्री पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब ये थ्री पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं वो ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्म में होती है, रोप लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं। अगर आप इसको देखें कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है और इसके अलावा एक इस तरह से आ रही है, ठीक है। तो ये रोप लाइक एक स्ट्रक्चर सब बना देते हैं, ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा इन्होंने जो है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल रोल वगैरह बनाना है। कोलेजन जो है वो जेल की फॉर्म में होती है, विट्रस ह्यूमर में, जेल की फॉर्म में होगी विट्रस ह्यूमर ऑफ आई में, ठीक है। उसके अलावा आपने इसके बारे में याद रखना कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह में भी पड़ी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा इसके बारे में आपको बताना चाहिए कॉर्निया फाइबर वगैरह में भी होती है, बोन्स वगैरह में भी प्रेजेंट होती है, एज अ फाइबर्स बोन्स कॉर्निया ऑफ आई वगैरह में एसेट्रा आपके पास ही प्रेजेंट थी। अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कोलेजन कौन कौन सी होती हैं। मोर देन 25 टाइप्स जो होती हैं कोलेजन की होती हैं, 25 टाइप्स। और ये किस पर डिपेंड कर रही होती है, अमाइनो एसिड की वेरिएशन आ रही होती है उनकी सीक्वेंस अल्फ़ा चेन के अंदर उनकी। अब ये थ्री पॉलीपेप्टाइड अल्फ़ा चेन से मुश्तमिल होती हैं, अल्फ़ा चेन्स होती हैं थ्री, और ये किस तरह हेल्ड टुगेदर होती हैं, बाय इंटरचेन एच बॉन्ड्स के ज़रिए, ठीक है। अब ये इंटरचेन एच बॉन्ड्स के ज़रिए जो है वो होल्ड अप होती हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो 25 हैं इनके अंदर अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा, उसके अंदर चेंज आने की वजह से स्लाइट चेंज आएगी तो टाइप ऑफ कोलेजन जो है वो बदल जाएगी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्फा चेन्स जो हैं ये मिलेंगी और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजन की फॉर्मेशन करेंगी। अब जैसे देखें आपके पास टाइप वन है, टाइप वन कोलेजन, इसमें अब आपको पता होना चाहिए कि इसके पास दो अल्फा वन चेन है, ठीक है, और एक जो है अल्फा टू चेन है, ठीक हो गया। और टाइप टू जो है उसके अंदर आपने याद रखना है कि इसके पास थ्री अल्फा वन चेन्स होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप फंक्शंस ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करते हुए या इनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए आप कोलेजन को आगे थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। अब हम उन ग्रुप को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलेजन अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन होती हैं, नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन हैं और फाइब्रिल एसोसिएटेड हैं। जिन्होंने फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन हैं ये रोप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, ठीक है, और उन्होंने फाइब्रिल्स की फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। अब इनकी आपकी पता होनी चाहिए ये कि ये जो है वो टाइप वन कोलेजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टाइप टू आ जाते हैं और टाइप थ्री कोलेजन मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो है वो ये जो थ्री हमने कहा टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री हैं, ये तीनों मिलके फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन जो है वो बनाएंगी, ठीक है, ये फाइब्रिल फॉर्मिंग होती हैं, ठीक है।
उसके अलावा नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजेंस कौन कौन सी होती हैं, ये आपके पास फोर्थ वाली होती है, फोर टाइप होती है, उसके अलावा सेवन टाइप होती है, एट टाइप होती है, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपके पास क्या बनाती है, नेटवर्क फॉर्म करती हैं। और जो आपके पास फाइब्रिल एसोसिएटेड हैं, जिन्होंने फाइब्रिल को लिंक करना है, उसके अंदर नाइन टाइप है आपके पास और ट्वेल्व टाइप है। इन दोनों जो है वो फाइब्रिल को आपस में लिंक करना है। अब इनकी प्रेजेंस आपको जो है वो एज अ क्लू आपने बस जो है वो रट्टा लगाना है। टाइप फोर वाली की आपने याद रखनी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके अलावा जो आपकी एट वाली है कॉर्नियल में आपने याद रखनी है एंडोथीलियम, नाइन वाली कार्टिलेज में, ट्वेल्व वाली टेंडन में, और उसके अलावा आपके पास वन वाली स्किन बोन और टू वाली कार्टिलेज और डिस्क वगैरह में, और जो आपकी थर्ड वाली है ये ब्लड वेसल्स में आपकी यहाँ, ठीक है। ये एक आपको क्लू है, आपने उनको रटा लगाना है। उसके बाद अब आपके पास आती है स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइनो कोलेजन। कोलेजन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, आपने याद रखना कोलेजन का स्ट्रक्चर जो है, कोलेजन जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, दो अमाइनो एसिड्स के अंदर रिच होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्रोलीन और एक होता है लाइसिन। अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है आपके पास, एक प्रोलीन है और एक ग्लाइसिन है, जो ये रिच होता है इसमें। ग्लाइसिन शॉर्ट होने की वजह से हर तीसरे अमाइनो एसिड की जगह पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सपोज आपके पास एक अभी इसके बाद आपने याद रखना है कि जो प्रोलीन है, प्रोलीन आपने याद रखनी है कि ये जो है किंग्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो हमने कहा कि ये जो इसका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, अल्फा चेन स्ट्रक्चर है, जो हेलिकल कंफर्मेशन ऑफ अल्फा चेन है वो डिफरेंट होती है अल्फा हेलिक्स से, ठीक है। इसको मिक्स नहीं करना आपने। प्रोलीन जो है किंग्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो ग्लाइसिन है इसमें इसका शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है और ये थर्ड नंबर पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें रिस्ट्रिक्टेड स्पेसेस वगैरह में प्रेजेंट होना होता है। अब वो कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस का पार्ट होता है, जैसे आपके पास ग्लाइसिन एक्स वाई है, ठीक है। इस तरह आपने याद रखना है ग्लाइसिन हमेशा थर्ड नंबर पर प्रेजेंट होगा। सपोज आपके पास कोई और एग्जांपल इस तरह ले लें, ये वाई आ गया और ये एक्स आ गया, ठीक है। एक्स वाई ग्लाइसिन, उसके बाद एक्स वाई, उसके बाद फिर ग्लाइसिन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक्स, फिर वाई आ जाएगा। इस तरह आपने याद रखना है, आपके पास थर्ड नंबर पे हमेशा आएगा ग्लाइसिन। अब ये जो एक्स है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रोलीन होता है, और जो वाई है ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके पास हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। ये आपके पास हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, ठीक हो गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब वो कहते हैं कि ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन कोलेजन एक फाइबरस प्रोटीन है और इसने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब ये किससे मेंटेन्ड है, इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, ठीक है। उसके अलावा अब आपने याद रखना है हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो होते हैं वो एज सच किसी भी चेन में, वो प्रोटीन वगैरह में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आपने प्रोलीन और लाइसिन वगैरह को हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन वगैरह में कन्वर्ट करना है, उनकी हाइड्रोक्सीलेशन करवानी है, ठीक है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन की आपने फॉर्मेशन करवानी, जिसकी वजह से इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन, ठीक हो गया। उसके बाद आपने जो याद रखना है वो ये कि ग्लाइकोसाइलेशन। अब आपने ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, ये जो हाइड्रोक्सीलेशन के बाद हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं, इनकी आपने ग्लाइकोसाइलेशन करवा देना। मतलब क्या है कि आपने ग्लूकोज या गलेक्टोज वगैरह की एडिशन करवा देनी है पॉलीपेप्टाइड चेन के शुरू में, ठीक है। उसके साथ उसको अटैच कर देना है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आपने ग्लूकोज और गलेक्टोज को किसके साथ अटैच कर देना है, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ अटैच कर देना, या आपकी ग्लाइकोसाइलेशन होगी। तो अब हमने स्ट्रक्चर भी इसका डिस्कस कर लिया कि अमाइनो एसिड कौन कौन से हैं, और ग्लाइसिन रिपीट हो रहा है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन भी रिपीट हो रहे हैं, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर कौन मेंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेंटेन करें, हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन जो है
वो बहुत रोल प्ले करते हैं, ठीक है, अपना स्ट्रक्चर वगैरह इनका मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और ग्लाइकोसाइलेशन करवाते हैं फिर आप इसकी, और ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर वगैरह की फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करते हैं। अब हम इसकी बायोसिंथेसिस को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं एक डायग्राम के जरिए। ओके, अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम जो बनी हुई है इसमें सिंथेसिस ऑफ कोलेजन दी हुई है आपको, कि बायोकेमिकल सिंथेसिस की कैसे होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने याद रखना है कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स जो प्रो अल्फा वन और प्रो अल्फा टू जीन्स के जीन्स होते हैं, उन्होंने मैसेंजर आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्ट होना है, ठीक है, ये डीएनए आ रहा है इसने ट्रांसक्रिप्ट होना है मैसेंजर आरएनए के अंदर, ठीक है। अब इस मैसेंजर आरएनए ने जो है वो ट्रांसलेट होना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और इसने प्री प्रो अल्फा चेन बनानी है, प्री प्रो अल्फा चेन बनानी है, ठीक है, और जिसने आगे किस में चले जाना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में चले जाना है, और वहाँ जाके उसके जो सिग्नल सीक्वेंस होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। सिग्नल सीक्वेंस आपने जो है ये प्री प्रो अल्फा चेन के सिग्नल सीक्वेंस रिमूव होंगे और इसको वो कन्वर्ट कर देगा प्रो अल्फा चेन के अंदर, ठीक है। अब प्रो अल्फा चेन के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा उसके बाद ये आपने याद रखना है कि जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो प्रोलीन है और लाइसिन है उसको आपने उनकी हाइड्रोक्सीलेशन करवानी है और ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन में कन्वर्ट हो जाना है। अब ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन और हाइड्रोक्सी लाइसिन थे हमने कहा इसकी ग्लाइकोसाइलेशन करवानी है आपने ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिल, ठीक है, आपने इनकी ग्लाइकोसाइलेशन करवा देनी है और ये प्रो अल्फा चेन आपको नज़र आ रही है, प्रो अल्फा चेन, ठीक है। अब इस तरह की जो प्रो अल्फा चेन है ये थ्री आपस में मिलेंगी और इनके दरमियान इंटरचेन जो आपस में इंटरचेन बन रहे हैं और जो उसके अलावा इंट्रा चेन डाईसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, देखें ये डाईसल्फाइड बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में भी फॉर्म कर रहे हैं और एक दूसरी चेन के साथ भी फॉर्म कर रहे हैं सी टर्मिनल पर, यह है आपका सी टर्मिनल और ये है एन टर्मिनल, तो सी टर्मिनल पर इसकी फॉर्मेशन हो रही है। अब आते हैं कि ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमने कहा ये ट्रिपल हेलिक्स जो है हमने कहा जब तीन चेन्स आपस में मिलेंगी प्रो अल्फा चेन्स तो इसने ट्रिपल चेन की फॉर्मेशन करवानी है और उसके बाद ये प्रो कोलेजन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये सारा जो है ये जब ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्मेशन होगी ये किस में हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है। अब ये सारा कुछ जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो जाएगा उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी जो ये चेन है प्रो कोलेजन मॉलिक्यूल्स ने निकला है उसके बाद इसने जो है गोल्जी वैक्यूल्स के अंदर गोल्जी अपरेटस के अंदर उसने जाना है उसके बाद उसने जो है गोल्जी वैक्यूल्स के साथ जो है वो उसने सेक्रीट आउट हो जाना है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। अब ये देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। अब इसके जो एंड और सी टर्मिनल हैं ये फारिग होते हैं और ये रिमूव हो जाएंगे, रिमूव होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर रह जाएगा इसको आप ट्रोपो कोलेजन कह देंगे, ट्रोपो कोलेजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस कौन करता है, एंड और सी टर्मिनल को रिमूव कौन करता है, ये आपके पास प्रो कोलेजन पेप्टिडेज एक एंजाइम होता है जो इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट प्रोसेस है जिसके अंदर आपने ट्रोपो कोलेजन की सेल्फ असेंबली करवानी है। ओके, अब इसमें देखें कि एंड पॉलीपेप्टाइड टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड और सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड जो है वो रिलीज हो जाएंगी उसके बाद जो ट्रोपो कोलेजन के मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने अपनी सेल्फ असेंबली करनी है और इन्होंने जो है वो फाइब्रिल्स में कन्वर्ट हो जाना है। अब ये फाइब्रिल्स के दरमियान क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन होगी और इन्होंने कोलेजन फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाना है। अब आपके पास ये सारा कंप्लीट हो गया। अब आपको जो चीज़ एक दो चीज़ें याद होनी चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी एक बार समरी भी हम कर लेते हैं। ओके, अब हम देख लीजिए समरी ऑफ कोलेजन सिंथेसिस में। सबसे पहले हमने कहा था कि जो जीन्स आए हैं उन्होंने क्या करना है, जीन्स प्रो अल्फा वन और प्रो अल्फा टू के जो जीन्स हैं उन्होंने जो है वो ट्रांसक्राइब होना होता है मैसेंजर आरएनए पे। अब मैसेंजर आरएनए जो है उसने क्या कहा था हमने कि मैसेंजर आरएनए जो है वो उसने ट्रांसलेट होना होता है आरईआर में और इसने प्री प्रो किस में कन्वर्ट हुआ, प्री प्रो कोलेजन के अंदर। अब हमने कहा ये प्री प्रो कोलेजन जो है इसके अंदर दो एंजाइम्स थे, हमने कहा हाइड्रोक्सीलेशन होगी, हाइड्रोक्सीलेशन जो है वो लाइसिन और किसकी करवाई थी, लाइसिन और प्रोलीन की करवाई थी। अब ये किसकी प्रेजेंस में हुई थी, आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलीन जैसे लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज वगैरह एंजाइम है, प्रोपाइल प्रोपलाइल ऑक्सीड हाइड्रोक्सीलेज वगैरह एंजाइम्स होते हैं,
हाँ वो कहते हैं कि किसकी प्रेजेंस में होगी हाइड्रोक्सीलेशन, ये आपने याद रखनी है कि ये कैल्शियम आइंस की प्रेजेंस में होगी, उसके अलावा आपने याद रखनी है आयरन की प्रेजेंस में होगी, उसके अलावा ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये तीनों चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं हाइड्रोक्सीलेशन के प्रोसेस को एड करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो तीसरा प्रोसेस आता है, उसके बाद हमने कहा कि जो हाइड्रोक्सीलाइजीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन है इनकी ग्लाइकोसाइलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद हमने चौथा प्रोसेस कहा था कि जो आपकी सारी असेंबली होगी, मतलब कि तीनों प्रो अल्फा चेन्स जो हैं वो मिल जाएंगी और इन्होंने क्या बना देनी है आपके पास, ट्रिपल हेलिक्स की फॉर्मेशन करनी है, जिसने आगे इनडायरेक्टली किसकी फॉर्मेशन की, प्रो कोलेजन बना दिया। अब आपके पास प्रो कोलेजन प्रोड्यूस हो गया, प्रो कोलेजन ने जो है वो क्या करना है आपके पास RER को, ये प्रो कोलेजन कहाँ बना था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना था। अब इसने जो है RER को लीव किया और उसके बाद इसने गोल्जी अपरेटस में एंटर हो जाना है, उसके बाद इसने गोल्जी वैक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट होकर इसने किधर निकल जाना है, एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में निकल जाना है। जब इसने वॉल के साथ एक्सोसाइटोसिस के जरिए उसने निकल जाना एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में, उसके बाद एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में इसने एन टर्मिनल और सी टर्मिनल वो दोनों जो है वो रिमूव हो जाएंगे और जो है वो किसके एंजाइम की प्रेजेंस में थे, पेप्टिडेज एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में ये ऐसा करेंगे, ठीक है, पेप्टिडेज, और उसके बाद ट्रोपोकोलोजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रोपोकोलोजन जो है उन्होंने आपस में अलाइन होना है, सेल्फ असेंबली होनी होती है उनकी, और उन्होंने फाइब्रिल्स में कन्वर्ट होना है, फाइब्रिल्स ने आगे जो है वो क्या करनी है, आपस में इंटरलिंकेज होनी है उनकी और उन्होंने कोलोजन की फॉर्मेशन करवा देनी, ठीक है। ये आपकी कोलोजन की फॉर्मेशन होगी। नॉर्मली कोलोजन जो है वो स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, उसकी हाफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो इंजाइम्स वगैरह होती है वो कुछ इंजाइम्स होते हैं जैसे कोलेजिनेज इंजाइम्स वगैरह हैं, उनके लैटिक प्रोटीलिटिक उनके एक्शंस की वगैरह की वजह से, या मेटेलो प्रोटीनेज इंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से जो है वो कहते हैं कि इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, डिग्रेडेशन हो जाती है, ठीक है। ये जो उसकी डिग्रेडेशन है वो किस कौन कौन से इंजाइम्स पर डिपेंडेंट है, प्रोटीलिटिक इंजाइम्स पे, प्रोटीलिटिक इंजाइम्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये आपने जो है वो याद रखने। अब हम देख लेते हैं कोलेजन की जो है वो डिजीजेस जो उनकी वजह से होती हैं वो कैसे होती हैं। एक दफ़ा हम जो है वो पहले क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन देख लें कि क्रॉस लिंकेजेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन कौन से आगे जो आपके राइसिन रेजिड्यूज हैं वो कैसे जो है वो कन्वर्ट होते हैं क्रॉस लिंकेज वगैरह की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। ओके, क्रॉस लिंकेजेस की आपको पता उनकी फॉर्मेशन कैसे होगी कि जो आपके लाइसिन रेजिड्यूज इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो कहते हैं कि इनके अंदर आपने इनकी ऑक्सीडेशन करवाई, लाइसाइल ऑक्सीडेज ने एक्ट किया इन पर, और क्या हुआ कि ऑक्सीडेशन हुई इनकी कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर ये याद रखना है कॉपर इंपॉर्टेंट है, और इनके अंदर से इनकी डी अमाइनेशन हो गई, इनके अंदर से जो है वो अमोनिया लिबरेट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये लाइसाइल रेजिड्यूज जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके पास, एल लाइसिन रेजिड्यूज वगैरह में कन्वर्ट होंगे। अब इन ये एल लाइसिन रेजिड्यूज वगैरह में ये कन्वर्ट होंगे, ठीक है, या आपके पास अब ये जो एल लाइसिन रेजिड्यूज हैं और ये जो लाइसिन रेजिड्यूज हैं ये आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद कंडेंस होंगे और ये कोलेजन फाइबर्स की फॉर्मेशन होगा, तो ये आपकी जो है ये हमने कह दिया नेटवर्क फॉर्मिंग होगी। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पास जो डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली डिजीज़ है आपके पास जो आपकी इसके रिलेटेड है कोलेजन की डिजीज़ में, सबसे पहली है एहलर्स डेनलॉस। इसमें क्या होगा कि जो आपकी इनहेरिटेड डिजीज़ है इसमें दो की वजह से होगी, या तो इंजाइम्स का प्रॉब्लम होगा, लाइसाइल हाइड्रोक्सीलेज इंजाइम है जिसने हाइड्रोक्सीलेशन वगैरह करवानी होती है, या पेप्टिडेज जिसने क्लीवेज करवानी होती है उसका प्रॉब्लम आ जाए, या अमाइनो एसिड के अंदर उनके सीक्वेंस के अंदर जो है वो म्यूटेशन आ जाए, कोई भी
ये तीन जो टाइप्स हैं इनमें से एक, 1, 3 या 5, 5 ये 1, 3, 5 कोलेजन की जो टाइप्स हैं इनमें से किसी एक जो टाइप है उसके अंदर अमीनो एसिड की सीक्वेंस में म्यूटेशन आ जाए तो भी होती है। अब इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक है क्लासिक फॉर्म और एक है जी वेस्कुलर फॉर्म। जल्दी से देख लेते हैं क्लासिक फॉर्म। क्लासिक फॉर्म जो है आपने याद रखना है कि ये किसकी प्रॉब्लम की वजह से होती है, ये 5th कोलेजन की प्रॉब्लम की वजह से होती है और इसमें स्किन जो है ना आसानी के साथ खिंच जाती है, स्किन लटकना शुरू हो जाती है, ठीक है, और फ्रिजिलिटी आ जाती है। और उसके अलावा जो आपके पास है वेस्कुलर फॉर्म, वेस्कुलर में आपने याद रखनी कि कौन सी है, टाइप 3 कोलेजन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो कहते हैं आर्टेरियल रप्चर हो जाते हैं। वेस्कुलर है तो आर्टरी से आपने याद रखना है कि आर्टेरियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक हो गया। और जो आपने याद रखना है वो ये है कि जो कोई भी एक म्यूटेंट चेंज के अंदर चेंज आने की वजह से कोई भी एक म्यूटेंट चेंज हो जाए, मतलब 3 हेलिक्स जो है वो 3 चेंज के मिलने से बनता है, 3 के मिलने से बनता है ना, अगर किसी एक में भी चेंज आ जाएगा तो उससे पूरा हेलिक्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिसरप्ट हो जाएगा और इस तरह के इफेक्ट को आप डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट भी कहते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, डोमिनेंट नेगेटिव इफेक्ट। अब हम जल्दी से देख लेते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को। ओके, अब हम देखते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को। ऑस्टियोजेनेसिस आपको याद रखने बोन और जेनेसिस फॉर्मेशन, बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, उसकी फॉर्मेशन में सही तरीके से जो है वो उसकी फॉर्मेशन ना हो रही हो तो उससे ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होती है, बोन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो। ये जेनेटिक भी हो सकता है, इसकी आगे आपके पास जो है वो क्या फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाती है या कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं होता इसमें, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स होती हैं इसकी। सबसे पहली होती है टाइप 1। टाइप 1 जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, मतलब कि म्यूटेशन आ जाती है आपके ग्लाइसिन की जो है वो अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ जो है वो अमाइनो एसिड जो ग्लाइसिन के रेजिड्यूज़ होते हैं ना उनकी रिप्लेसमेंट हो जाती है किसके साथ, बल्कि साइड चेन्स के साथ। ग्लाइसिन जो है वो बल्कि साइड चेन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जो आपकी फॉर्मेशन ऑफ जो α1 और α2 जो आपकी चेन्स थी, हमने कहा था टाइप 1 कोलेजन जो है वो α1 और α2 के मिलने से बनती है, तो वो कहते हैं कि इसको जो जीन्स होते हैं ना इसको जो इनकोड कर रहे होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन आ जाती होती हैं, ठीक है। अब जब ये साइड ग्लाइसिन जो है वो साइड चेन के साथ जो बल्कि साइड चेन के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर है ना वो बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो जो है वो ये जो आपकी इसके अंदर सिवियरिटी आती रहती है, टाइप 1 जो है आपकी ये जो टाइप 1 डिजीज़ है ये ना सवेयर जो माइल्ड से लेकर सवेयर तक जाती है, मतलब कि सबसे पहले कुछ लोगों में थोड़ी होगी, कुछ में ज़्यादा होगी, कुछ में जो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब आपके पास जो है वो टाइप 2 आ जाती है। टाइप 2 जो है ये थोड़ी सी सवेयर होती है, इसमें पुलमनरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, और ये यूट्रो फ्रैक्चर्स इसमें देखे गए हैं, ठीक है। टाइप 2 में यूट्रो फ्रैक्चर्स और पुलमनरी कॉम्प्लिकेशंस देखे गए और ये लीथल होती है, ठीक हो गया। और उसके अलावा आपके पास जो टाइप 3 है ये भी सवेयर है, टाइप 3, ठीक है। इसमें आपकी हम्प बैक होगी, शॉर्ट स्टेचर होगा, मतलब कुब निकली होगी, हम्प बैक होगी, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो ब्लू स्क्लेर आए होंगे, ठीक है, बस यही है। इसके अंदर मल्टीपल फ्रैक्चर्स, ठीक हो गया। अब टूथ की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कहते हैं कि एक होती है डिजीज़, उसको आप कहते हैं डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें टूथ के अंदर प्रॉब्लम हो। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। टाइप 1
अब हम ये ज़रा बोन फॉर्मेशन जो ऑस्टियोजेनेसिस में परफेक्ट है इसको दोबारा देख लेते हैं कि टाइप वन जो है वो ग्लाइसिन के अंदर जो है वो बल्कि साइड चेन्स के साथ रिप्लेस हो जाती है, और ये टाइप वन जो है टाइप वन से आप याद रखते हैं टाइप वन कोलेजन के अंदर जो अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू जो आपकी साइड चेन्स होती हैं उनको जो उनको जीन्स इनकोड कर रहे होते हैं उनमें म्यूटेशन आ जाती है। टाइप टू में आपने याद रखें यूरेट्रो फ्रैक्चर्स होते हैं और पुलमोनरी कॉम्प्लिकेशन होती है, सीवियर है। टाइप थ्री भी सीवियर है और इसमें क्या होगा शॉर्ट स्ट्रक्चर हम बैक होगी और मल्टीपल फ्रैक्चर्स होंगे। डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्ट हम देख रहे हैं टूथ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम की वजह से होती है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। हमने इसमें सारी जो है वो कोलेजन की सिंथेसिस, उसकी डिग्रेडेशन, उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस कर लिया और उसकी डिजीजेस वगैरह हमने देख ली। थैंक यू।